बात बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके भाषा माधुरी की पहली कविता सीखो को पढ़ाया था। आज मैं इसके अर्थ को आपके सामने बताऊंगी। पहला लाइन, सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। सूरज की किरणों से क्या हम सीखते हैं? जिस तरह सूरज हर एक दिन एक नियमित समय पर उठता है, हमें दिखाई देता है, और हम सुबह उठते ही देखते हैं कि सूरज आ गया है, उसका एक निश्चित समय होता है। उसी तरह से हमें भी अब उठना चाहिए एक निश्चित समय पर, कभी लेट से कभी देर से नहीं उठना चाहिए। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। आप कभी चींटी को देखे हो बेटा? जिस तरह से चींटी कितनी छोटी होती है फिर भी वो नहीं थकती, लाइन से एक पंक्ति से अपने खाने को लेकर के मुंह में आगे बढ़े जाती है, मेहनत करती है। उसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। कूड़ा मतलब जो आपके व्यर्थ चीज़ें हैं, गंदगी है, कूड़ा उसे कहते हैं। हमें कभी भी अपने कूड़ा को इधर उधर नहीं डालना चाहिए। हमेशा अपने कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में डालना चाहिए। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। सदा समय पर मतलब हमें हमेशा अपना पाठ समय पर करना चाहिए। देखो इस लड़के को, इसी तरह से हमें जिस समय पर आपके माता पिता आपको पाठ पढ़ने के लिए कहें, आपको उसी समय पर आपकी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। दीन दुखी की मदद करो। बेटा यहाँ दीन दुखी मतलब क्या है? दीन दुखी मतलब गरीब। जो बच्चे गरीबों की मदद करते हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। इसलिए हमेशा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। हमें कभी भी किसी से झंझट झगड़ा नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर रहने में ही भलाई मतलब हमें हमेशा प्यार से एक दूसरे के साथ दोस्ती निभा करके रहनी चाहिए। लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिलता। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। अपने बड़ों, देखो ये इस लड़के को देखो तो बेटा, वो अपने माता पिता के क्या कर रहा है? चरण स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब शीश मतलब सिर झुकाना। यहाँ पर एक नया शब्द है आपके लिए, शीश। शीश का अर्थ क्या होता है? सिर। इसलिए हमें हमेशा सुबह उठकर अपने माता पिता के, अपने बड़ों के, घर में अगर आपके दादा दादी चाचा चाची हैं तो उनको प्रणाम बोलना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। जब कोयल बोलती है बेटा तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही मीठी होती है। उसी तरह से हमें भी कोयल जैसे मीठे बोल बोलने चाहिए। हमेशा सबसे अच्छे बर्ताव से पेश करना चाहिए। किसी से झंझट लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मीठे शब्दों को सुनकर जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वैसे ही सबको अच्छा लगता है। इसलिए इस कविता को आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे और इनमें जिन शब्दों को मैंने नीचे से रेखांकित किया है उन शब्दों को आप 10 बार अपनी कॉपी में लिखोगे। यहाँ पर मैंने उन शब्दों की एक सारणी बना ली है बेटा। देखो कठिन शब्द, कठिन शब्द में पहला आता है सूरज। दंते स पे कौन सी मात्रा है? यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा है। र और ज, सूरज। इसी तरह से मैंने कुछ शब्दों की सारणी बनाई हुई है। दूसरा शब्द है किरणों, तीसरा है समय,
चौथा है चीटी, पांचवा है मेहनत, छठा है फेंको, सातवा है कूड़ा, आठवा है कूड़ेदान, नौवा है दीन दुखी। मैंने बताया था ना यहाँ पर, आप लोग पहले पढ़े हो ना दीन, उस पर छोटी की मात्रा मतलब हर्ष्व ई की मात्रा, वो दीन होता है इस तरह से, ये दिन मतलब दिन, जो आज आपका कौन सा दिन है, आज आपका बुधवार है, लेकिन इस दिन का मतलब क्या होता है, गरीब। इसका मतलब क्या होता है बेटा, गरीब। और ये दिन, इसका मतलब ये दिन अलग है और ये दिन अलग है। लड़ाई, मिलजुल कर, और नया एक शब्द है आपके लिए शीश। शीश मतलब क्या होता है बेटा, सिर। शीश मतलब सिर। इन सारे शब्दों को आपको एक बार लिखना है और इन शब्दों की मात्राओं को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।